हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं दो आईपीओ के बारे में। आज इसका फर्स्ट डे था, आज है 9 नवंबर 2022। आज ये दोनों आईपीओ आर्शिन केमिकल आईपीओ का सब्सक्रिप्शन और फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, ये दोनों आईपीओ आज ये मार्केट में आज इशू हुआ है। आज दोनों का पहला दिन था, ये दोनों में क्या रुझान था, ये सारी बातें सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस आईपीओ में आगे क्या रुझान रहेगा और इसमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो नए यूज़र आए हैं, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं आर्शिन केमिकल आईपीओ का फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन और फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन। हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल। हम बात कर रहे हैं आर्शिन केमिकल के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो आज 9 नवंबर है, आज इसका फर्स्ट डे था, आज इसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट था, लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो नए यूज़र आए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ में लाइक करो यार, बेल आइकन भी दबा दो ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो देखते हैं ये आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो आर्शिन केमिकल ले केमिकल क्षेत्र का आईपीओ है जो 9 तारीख को आया है और 11 को क्लोज हो जाएगा। फिलहाल जो आईपीओ की प्राइस रखी गई है 386 से 407 के बीच में रखी गई है। अगर टोटल साइज़ की बात में करते हैं तो 1462 करोड़ का ये आईपीओ है और फेस वैल्यू 2 रुपये है और आईपीओ प्राइस 407 रुपये हाई प्राइस है, क्योंकि अगर आईपीओ ले रहे हैं तो हाई प्राइस पे ही आईपीओ लेना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो हाई प्राइस रहता है 407 उस पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिलने का। फिलहाल देखते हैं लिस्टिंग की बात करते हैं तो बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा और एक लॉट के अंदर रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट के अंदर 36 यानी 36 शेयर्स रखे गए हैं। फिलहाल देख लेते हैं आज फर्स्ट डे इसका कैसा रुझान था। जो फर्स्ट डे की बात करते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को जो हमेशा मैं कहता हूँ ये तीसरे दिन और आखिरी टाइम में एक या दो के बाद ही इसके अंदर कूदते हैं, तो आगे इनकी बात ही अलग है, ये आते हैं और भाग जाते हैं लास्ट टाइम पे और पूरा आईपीओ हिला डालते हैं लास्ट में। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर भी आया है 0.04 टाइम्स इसमें देखने को मिला है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर देखा जाए तो 0.36 टाइम्स देखने को मिल रहा है और जो अबव 10 लाख है वो 0.39 टाइम्स आया हुआ है, जो बिलो 10 लाख है वो 0.31 टाइम्स आया है। देखा जाए तो रिटेल भी इसके अंदर करीब करीब 1 टाइम्स रिटेल का भी आ चुका है, रिटेल पोर्शन करीब करीब पूरा भर चुका है। और ओवरऑल अगर आईपीओ की बात करते हैं तो देखा जाए तो करीब करीब फर्स्ट डे और आज के दिन है 9 नवंबर और आज के दिन देखा जाए तो करीब करीब 0.3 टाइम्स इसके अंदर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आ चुका है। जैसा भी अपडेट है डे बाय डे आपको मैं बताता रहूँगा, जैसा भी दे रहेगा और जो भी खबर रहेगी, जो भी न्यूज़ रहेगी, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। फिलहाल देख लेते हैं इसका जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। और जो नया यूज़र आए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। चलो इनका देख लेते हैं आर्शिन केमिकल का क्या प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। हम बात करें आर्शिन केमिकल के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो आर्शिन केमिकल के अंदर करीब करीब आज 9 तारीख देखा जाए तो आज जिसका पहला दिन था उसके अंदर जबरदस्त उछाल देखने को मिला। करीब करीब देखा जाए 20 से 25% पे प्रीमियम पे चल रहा है। फिलहाल जब ये स्टार्ट हुआ था तो 5 तारीख को देखा जाए तो करीब करीब 14 से लेकर 14% था 8 तारीख तक। आज इसका पहला दिन था तो इसके अंदर उछाल देखने को मिला है और आज है 9 नवंबर और देखते हैं कल दूसरा दिन रहेगा, उसके बाद तीसरा लास्ट दिन रहेगा, उसके बाद जैसे भी अपडेट रहेगा वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट आईपीओ फाइव स्टार का भी देख लेते हैं। जो नए यूज़र आए उनसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करते जाओ। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो ये भी आज इसका पहला दिन था, 9 नवंबर को आया और 11 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ टोटल साइज देखा जाए तो 1960 करोड़ का ये आईपीओ, 1960 करोड़ का ये आईपीओ है। आईपीओ प्राइस देखा जाए तो 450 से 474 रुपये के बीच में रखा गया है। फिलहाल फेस वैल्यू इसका 1 रुपया है। देखा जाए तो ये कहाँ लिस्ट हो रहा है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट हो रहा है। फुल फ्लैज मेन बॉडी या आईपीओ है और रिटेल के लिए एक मिनिमम एक जो लॉट है उसके अंदर 31 शेयर्स है। देख लेते हैं इसके अंदर सब्सक्रिप्शन का दिन कैसा वो भी देख लेते हैं। फिलहाल देखते हैं इसमें सब्सक्रिप्शन आया है तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात ही अलग है, क्योंकि लास्ट दिन और दो के बाद ही इसके अंदर एक कूदते हैं तो पूरा आईपीओ हिला डालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है आईपीओ आने के बाद। फिलहाल लास्ट डे की बात दिन देखेंगे क्या होगा। फिलहाल इसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जो करीब करीब देखा है 0.01 टाइम्स आया है, जो अबव 10 लाख है वो इसमें लिए नहीं है, जो अबव बिलो 10 लाख का 0.01 टाइम्स आया है और देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर ने करीब करीब 0.03 टाइम्स इसमें आया है। देखा जाए तो ओवरऑल आईपीओ में कोई रुचि किसी ने कुछ अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया है, 0.02 टाइम्स इसमें टोटल सब्सक्रिप्शन आ चुका है। फिर आज फर्स्ट डे था, जैसा भी रहा है डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। देख लेते हैं इसका जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है। हम बात करें फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर जब से ये आईपीओ आया है तब से इसका माइनस में ही आईपीओ चला, लेकिन आज फर्स्ट डे था तो इसकी वजह से इसका थोड़ा सा देखा जाए तो 0 से 5% से या 5 से कहो या 1 से 5% के बीच में ये प्रीमियम पे फिलहाल चल रहा है। आज इसका 2% करीब करीब प्रीमियम देखने को मिला। आज है 9 तारीख, कल से लेके इससे पहले हमेशा इसमें माइनस ही दिखाई दे रहा था। आज है 9 नवंबर, आज इसका पहला दिन था, जैसा भी रहा रुझान इसकी आईपीओ के अंदर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन भी बटन दबा दो। ओके, थैंक यू।